एक ऐसी ताकत या यूं कहें कि एक ऐसा आधुनिक हथियार जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास था, अब उसी तबाही मचाने वाले हथियार को ईरान ने भी बना लिया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने दावा किया कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफल हो गया है, जबकि फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस तकनीक पर अभी भी काम कर रहे हैं। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल को सबसे आधुनिक मिसाइल माना जाता है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से ट्रैक करना और रोक पाना भी लगभग नामुमकिन सी बात है। यह मिसाइल ध्वनि की स्पीड से भी 5 गुना तेज उड़ते हुए अपने लक्ष्य को निशाना बनाता है। इतना ही नहीं, मिसाइल की दुनिया में जनरेशन लीप माने जाने वाला यह मिसाइल जमीन और वायुमंडल दोनों जगह पैंतरेबाजी करने में कारगर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसे ट्रैक कर नष्ट किया जा सकता है। बता दें कि परमाणु हथियार विकसित करने की इच्छा को हमेशा नकारने वाले ईरान की तरफ से इस मिसाइल के परीक्षण पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं दूसरे इस्लामिक देशों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान ने हाल ही में कई बड़े घरेलू हथियार उद्योग को विकसित किया है। लेकिन पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि ईरान कभी कभी अपने हथियार की क्षमताओं को बढ़ा बढ़ा कर पेश करता है। खैर, ईरान के कमांडर के इन दावों में अगर जरा भी सच्चाई है तो ईरान के द्वारा बनाया गया ये ब्रह्मास्त्र बहुत तबाही मचा सकता है। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल।